आप देख सकते हैं देवेंद्र सिंह बबली जो सरपंचों को संबोधित कर रहे थे, लेकिन तमाम जो यहाँ पर लोग पहुंचे हुए हैं वो यहाँ पर जो है अपनी बात रखते हुए नजर आ रहे हैं। बीच में ही उनका संबोधन सुनने से मना करते हुए अपनी बात रखते हुए नजर आ रहे हैं। देख सकते हैं देवेंद्र सिंह बबली वहां पर मंच पर बोल रहे हैं और यहां पर तमाम लोग आए हैं। जो प्रक्रिया है वो बंद होनी चाहिए, इसके ठेकेदार और अधिकारियों को फायदा मिलेगा। गांव का चुना हुआ जो प्रतिनिधि है वो काम करना चाहिए। जो सरकार करी 2 लाख तक के कार्य करे जाएंगे, इससे हम सहमत नहीं है। जो पूरा काम है जी गांव डेरा गांव से हम सरपंच चुन के आए हैं। हमारी जो प्रक्रिया ये है कि जो पूरा कार्य वो सरपंच के थ्रू हो, क्योंकि हम सरपंच जो वो पूरी ईमानदारी के साथ काम करते हैं। अगर हम ईमानदारी के साथ काम करेंगे हम भारत को विकसित देश बनाने का काम किया जाएगा। कौन से गांव से? डेरा गांव में असम से। असम से तो आप देख सकते हैं जो तमाम सरपंच हैं जो अलग अलग ग्राम पंचायतों से चुनकर आए हैं वो यहाँ पर विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं और अपनी बात रखते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर देवेंद्र सिंह बबली कैबिनेट मंत्री बोल रहे हैं, जो जन प्रतिनिधि संवाद कार्यक्रम वो यहाँ पर है और यहाँ पर विरोध किया जा रहा है उनकी बात का, अपनी बात रखते हुए नजर आ रहे हैं। करो जो लेट हुआ है उसका पैसा कहाँ गया है? कोई गांव में प्रोटेक्शन नहीं हुआ किस चीज का? क्या मांग क्या है आपने? मांग क्या, पहले 2 साल का हिसाब दो पंचायत को, वो कहाँ पैसा लगे है पंचायत के पैसे का? 2 साल का पहले 5 का बाद में। जिंदाबाद देखता जिंदाबाद जिंदाबाद देखता जिंदाबाद। क्यों कार्यक्रम का बायकॉट किया जा रहा है? विरोध कर दिया प्रोग्राम का, विरोध कर दिया हमने। हमारे सर पर 2 लाख की परमिशन दे रखी है, कुछ नहीं कर सकते। विरोध कर गलत है, गलत है। आप देख सकते हैं देवेंद्र सिंह बबली जो कैबिनेट मंत्री हैं आज पहुंचे हैं करनाल, जिला स्तरीय पंचायती राज सम्मेलन है, जन प्रतिनिधि संवाद है, जो ब्लॉक समिति के तमाम सदस्य हैं, जिला परिषद के तमाम सदस्य हैं, अलग अलग जो सरपंच हैं उनके साथ आज एक संवाद किया गया, किस तरीके से काम किया जाए इस बात पर चर्चा की गई है। और एक बात ये भी रखी गई कि तमाम जो सरपंच हैं वो विरोध करते हुए भी नजर आए कि पहले 20 लाख की पावर एक सरपंच को थी, अब 2 लाख की पावर दे दी गई है, ऐसे में कैसे काम होगा? जो गालियां पड़ती हैं वो सरपंचों को पड़ती है, ऐसा सरपंचों की तरफ से कहा गया है। और देवेंद्र सिंह बबली आप देख सकते हैं कि यहां पर अधिकारियों से बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं और गुस्से में काफी नजर आ रहे हैं। और ये आप तस्वीर देख सकते हैं देवेंद्र सिंह बबली की, काफी गुस्से में नजर आ रहे हैं, अधिकारियों से यहाँ पर बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि उनके कार्यक्रम में विरोध देखने को मिला है। तमाम सरपंच उनका विरोध करते हुए नजर आए, इस बात का विरोध करते हुए नजर आए कि 20 लाख की जगह जो पावर है वो 2 लाख की क्यों कर दी गई है। जन प्रतिनिधि संवाद प्रोग्राम में इस करनाल की पवित्र धरती पर आज इस प्रोग्राम में स्टेज पर विराजमान हमारे विधानसभा में विधायक साथी बहुत ही सूझवान प्रतिनिधि संवाद था, कैसा रहा? तमाम पक्ष अपनी तमाम बातें आपने रखी। देखिएगा जो पूरा ये हरियाणा प्रदेश में जिला स्तरीय प्रोग्राम सरकार के द्वारा रखे गए, बहुत सी ऐसी पहल जिसको मैं कहूँगा, जैसे हमारे जो चुने प्रतिनिधि थे, चाहे पंचायतें थी, चाहे हमारे ब्लॉक समिति सदस्य थे, जिला परिषद सदस्य थे, गाँव लेवल पर हमने शपथ दिलाने का जो ये पहल सरकार की तरफ से हुई और एक जो चुने हुए प्रतिनिधि उनको अपनी जिम्मेवारी क्या उसका एहसास हुआ।
और जब सब आदमी लेता है किसी पद पर जाकर, तो उस जनता ने जिस विश्वास के साथ उसको चुना है उस पर वो ईमानदारी से काम करें। आज जो हमारी सरकार की योजनाएं और परियोजनाएं, उनकी चर्चा करने के लिए मैं हमारे चुने प्रतिनिधियों के सामने आया हूं। और पुरानी परंपराएं थी, जब भी कोई परंपराएं बदलती हैं, जो एक करप्शन के चार्जेस हमारे पंचायत डिपार्टमेंट पर पुराने समय से लगते रहे और बड़े नेताओं के द्वारा ये कहा गया कि एक रुपया ऊपर से भेजा जाता है और 25 पैसा डेवलपमेंट के लिए धरातल पर नहीं पहुँच पाता, उसको ख़त्म करने के लिए सरकार ने जो बड़ा फैसला जीरो टॉलरेंस पे काम करने के लिए ई टेंडरिंग के माध्यम से अब कोई भी डेवलपमेंट का काम ई टेंडरिंग के माध्यम से सरकार करवाने जा रही है। आज बहुत से हमारे साथी थे जिनको ये भारी बात और सरकार की क्या जो ये बदलाव था उसमें उन्हें सहमति जताई। कुछ मैं ये महसूस कर रहा हूँ क्योंकि हमारी 50% जो सरकार कानून लेकर आए थे 30% प्रतिनिधि जो बहनों को देना का शुरू किया है, बहनें 10% ही बैठी थी। जो ये अभी पिछले कोने पर आप लोग देख रहे थे खड़ा होकर आवाज़ लगा रहे थे, ये मुझे लगता नहीं था कि ये प्रतिनिधि है। प्रतिनिधि ने जिसने शपथ ली होगी वो इस प्रकार का व्यवहार नहीं कर सकता। अगर उसके कुछ ग्रीवेंसीज हैं या माइक लगा हुआ था समाज प्रोग्राम था, वो अपनी सुझाव यहाँ कर दे सकता था। वो लोग थे जो एक खुला करप्शन का एक पूरा जिसको कहते हैं पुराने ज़माने से परंपरा चली आ रही थी, वो उसी को कह रहे हैं कि इसको इम्प्लीमेंट रहने दो, इसमें बदलाव ना करो। उनका कहना है सर 20 लाख पहले मिलती थी मतलब सरपंचों को कि उतना काम करवा सकते हैं, अब 2 लाख तक की बात आ गई है, उसमें क्या? देखिए मैं बताऊँ, ये इनको ये कहीं गुमराह है। अगर गांव के अंदर एक कम्युनिटी सेंटर 5 करोड़ रुपए का बन रहा है, वो 5 करोड़ का भी सरपंच का अधिकार है। सरपंच 2 लाख या 20 लाख तक बाउंडेड नहीं है। उस गांव के अंदर अगर सरकार 5 करोड़ रुपये खर्चती है, 10 करोड़ खर्चती है, 2 करोड़ खर्चती है, जो भी जितने भी करोड़ रुपये खर्च होंगे वो सरपंच और पंचायत के माध्यम से ही खर्च होंगे। जो मैनुअल काम गांव लेवल पे जाता था जिसका पैसा खुर्द बुर्द होता था, उसको रोकने के लिए जो ई टेंडरिंग प्रोसेस से हम काम करवाना चाहते हैं, ब्लॉक लेवल पे हमारा जो इंजीनियरिंग विंग है, हमारे एडमिनिस्ट्रेशन जो अधिकारी हैं, हमारे BDPO हैं, हमारे ब्लॉक लेवल पे SDO है, हमारा JEE है, इनके सहायक के रूप में ग्राम सचिव है, हमने कमेटी बनाकर सरपंच को उसका प्रधान बनाकर SDO JEE उसका एस्टिमेट बना के उसको पास करवाने का काम, ताकि चेक पॉइंट रहे, एक्सीडेंट से पास होकर आने के बाद वो काम कराने की ताकत हमारी पंचायतों के पास ही रहेंगी। ये मैं आपके माध्यम से क्लियर कर देना चाहता हूँ। और उसके बड़े लेवल के जो हमारे कॉन्ट्रैक्ट होंगे, मान लीजिए कोई करोड़ रुपए के काम है, एक कम्युनिटी सेंटर ही बन रहा है उसकी कॉस्ट लगभग 2-2.5 करोड़ है, हमारा कोई ग्राम सचिवालय बन रहा है 4.5 लाख रुपये इसकी कॉस्ट है। आज कोई भी काम 1-2 लाख में नहीं होता, वो तो एक एमरजेंसी के लिए कोई उसको एमरजेंसी में कोई काम करना पड़ जाए तो उसको उसके लिए टेंडर प्रोसेस में ना जाना पड़े। लेकिन जो भी डेवलपमेंट के काम है, चाहे गली नाली की बात हो, चाहे उसके अंदर हमने पार्क बनाना हो, चाहे हमने कुंडी सेंटर बनाना हो, चाहे ग्रे वाटर, ऑलरेडी टेंडर से प्रोसेस से काम शुरू से हो रहे हैं। सिर्फ गलियों के जो काम थे वही पावर है सरपंच सोच रहे हैं। गलियाँ कितने काम बाकी हैं आज बताइए मुझे। पूरे हरियाणा प्रदेश में 20% डेवलपमेंट गली की बच रही है, अब उस गलियों से बाहर हमें आना पड़ेगा। गली नाली के अलावा हमें ग्रे वाटर मैनेजमेंट में कई महानगरों में STP भी लगाने पड़ेंगे। क्या मैनुअल STP का काम सरपंच करवा सकता है? क्या पूरी बिल्डिंग जो बनानी है वो मैनुअल हो सकता है? जब उसके रेट कॉन्ट्रैक्ट में हमारे इंजीनियरिंग पोर्टल सरकार ने बनाया है, उसमें जो रेट हमारे अदर्स डिपार्टमेंट जो भी हैं वो टेंडर के माध्यम से काम कर रहे हैं, हमारा इंजीनियरिंग पोर्टल बना उसमें रेट इंक्रीज हुए हैं। पहले मान लीजिए उदाहरण के तौर पे कि ईंटों के रेट आपके 4500 रुपये फिक्स किए हुए थे जिलावार, अब वो जो अगर 6000 रेट है तो 6000 का कमेटी बना के उस रेट को इंक्रीज करके और जो टेंडर प्रोसेस में जो काम आएंगे उनमें एक बेहतर उस टेंडर में क्वालिटी के साथ और रेट को इंक्रीज करके पैसा देने का काम सरकार करेगी और उससे क्वालिटी भी कंट्रोल में आएगी और समय बंद तरीके से अधिकारियों को हमने निर्देशित किया है कि उस काम को ग्राउंड पर धरातल पर ले जाने का काम। सर घोषणा पत्र में JJP ने जारी किया था कि 5100 रुपये वृद्धा पेंशन होगी, वृद्ध पेंशन होगी, फिलहाल 3000 के आसपास है शायद, तो कुछ है उम्मीद? बिल्कुल बिल्कुल, सरकार आपने पिछले समय देखा होगा कि पूरे विश्व में या हिंदुस्तान में हरियाणा प्रदेश में कोविड की एक महामारी है, उसमें जो प्रदेश के पास इनकम सोर्सेज, प्रदेश इनकम जब टैक्स के रूप में आती है उससे आगे डेवलपमेंट करता है, वहाँ कमी रही, आने वाले समय में पहले बढ़ाया, इसको आने वाले समय में समय अनुसार और बढ़ाने का। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, थोड़े दिनों में राहुल गांधी करनाल भी आएंगे, किस तरीके से देखते हैं कांग्रेस, क्या विपक्ष के तौर पर पूर्ण तौर पर सामने आ जाएगी, आपको लगता है मजबूती मिल रही है? आपको रोज जो हरियाणा प्रदेश की कांग्रेस के हालात है मेरे से बेटर आप लोग जानते हो, तो मुझे इस पर ज़्यादा कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। हरियाणा प्रदेश की जनता को पता है ये जोड़ो नहीं, मुझे लगता है तोड़ो यात्रा है, और विपक्ष को जो काम करना चाहिए वो ना करके
अब ये जो भ्रमित करने वाली राजनीति थी इससे देश हमारा जाग चुका है, हरियाणा प्रदेश जाग चुका है। लोग प्रगति चाहते हैं, लोग काम चाहते हैं, लोग क्वालिटी चाहते हैं। जो ये कांग्रेस के राज्यों में जो ये लूटपाट मची हुई थी हर कामों में, उसको आज हम गठबंधन की सरकार ने जो रोकने का काम किया, चाहे नौकरी में देख लीजिए आप, अब मेरिट में नौकरियां हैं, कोई भी काम ऑनलाइन सिस्टम से हो गया है। किसी का हक मारा जाता था, जिसका नहीं अधिकार होता था वो हक ले जाता था, आज ऑनलाइन से आप ये आयुष्मान चिरायु कार्ड को देख लीजिए आप, BPL कार्ड में अब जिसका राइट नहीं है अगर वो ले रहा है, अगर उसका वो कार्ड कटता है तो उसको तकलीफ होती है। वो सरकारी पैसे का दुरुपयोग जिसको मैं कहूँगा, वो सरकार ने बंद करने का काम किया है। उससे कुछ लोगों को उससे चिड़चिड़ाहट हो रही है, उसे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। नॉर्मल जो हमारे प्रदेशवासी हैं वो इस बात को समझ चुके हैं कि ये जो भी कार्य सरकार जो करने में लगी हुई है वो प्रदेश हित कार्य हैं, जनहित कार्य हैं, उसमें हम काम में लगे हुए हैं। उसका एक रिपोर्ट कार्ड बनाकर प्रदेश की जनता को सौंपने का काम करेंगे और उसकी डिलीवरी जनता के जब सामने जाएगी, जनता अपने आप आने वाले 2024 में फैसला लेगी। एक सवाल, JJP के कार्यकर्ता चाहते हैं दुष्यंत चौटाला मुख्यमंत्री बने, आप भी चाहते हैं दुष्यंत चौटाला? कोई भी पार्टी का संगठन, आज हम गठबंधन में सरकार चला रहे हैं, आज हमारी गठबंधन में सरकार है, BJP JJP गठबंधन, हमारे BJP की पदाधिकारियां जिला लेवल से लेकर बैठे हैं, JJP बैठे हैं। कोई भी जो पार्टी होती है अपने गठबंधन को मजबूत करने के लिए काम करती है, वो उनका राइट है। नहीं, दुष्यंत चौटाला मुख्यमंत्री बनने चाहिए, आप चाहते हैं? और कोई किसी क्वेश्चन? दुष्यंत चौटाला मुख्यमंत्री बनने चाहते हैं? मन से कैबिनेट मंत्री देवेंद्र सिंह बबली बोल रहे थे, लेकिन पीछे से तमाम जनप्रतिनिधि उठते हैं और विरोध करना शुरू कर देते हैं। वो कहते हैं कि पहले सरपंचों को 20 लाख रुपए तक की अनुमति थी कि वो गली और नालियों के काम करवा सकते हैं, लेकिन अब सरकार ने 2 लाख रुपए की बात कह दी है। तो ऐसे में विरोध होना शुरू हुआ और तमाम सरपंच उठकर बाहर की तरफ चले गए। जब इस पर सवाल किया गया देवेंद्र सिंह बबली से, तो उन्होंने कहा कि कुछ लोगों को ज़्यादा जानकारी नहीं है या फिर उन्हें गली नाली से बाहर निकलना पड़ेगा क्योंकि बड़े प्रोजेक्ट है, अब उन पर काम करना है। वहीं कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा पर जब उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने कहा ये भारत जोड़ो यात्रा नहीं बल्कि भारत तोड़ो यात्रा है और कांग्रेस के प्रदेश में कैसे हालात हैं वो हर कोई जानता है। साथ ही साथ उनसे ये भी सवाल किया गया कि JJP का कार्यकर्ता चाहता है कि दुष्यंत चौटाला मुख्यमंत्री बने, क्या आप भी चाहते हैं? उन्होंने कहा कि समय हमारी गठबंधन में सरकार है और हम गठबंधन से मजबूती के साथ इस सरकार को आगे बढ़ा रहे हैं, यानी कि उस सवाल पर वो बसते हुए नजर आए। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और बाकी तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए करनाल ब्रेकिंग न्यूज के साथ।